वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में करेगा बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। जी हाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आपकी जिंदगी में हो चुका है बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका असर अगले इन 24 घंटे के अंदर से ही दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ऐसा परिवर्तन अगले 7 जन्मों में भी नहीं हुआ होगा। जो परिवर्तन अगले इन 24 घंटे के अंदर आप सभी के जिंदगी में होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी उन्हें खुशी होती है, ढेर सारा लाभ होता है, तो कभी उन्हें दुख तकलीफों का, मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अपने मन को छोटा ना करें। जिसका अच्छा समय रहता है उसका भी समय बदलता है, और जिसका बुरा समय चलता है उनका भी समय बदलता है। फर्क बस इतना है, कोई खुशी से समय बिताता है तो कोई दुख तकलीफ से समय बिताता है। मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ये समय का पहिया है और ये बड़ा बलवान है, ये घूमते रहते हैं। जी हाँ, बस अपना फोकस अपने काम पर रखें और जो आपको चाहिए, जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, उसे आप पर अपना फोकस बनाए रखें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं, पूरी गारंटी के साथ हम लिख कर देते हैं कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। दोस्तों, अगले इन 24 घंटे के अंदर एक विचित्र घटना आपके आंखों के सामने होगी। जी हाँ, और यह घटना आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुराई आपकी किस्मत के दरवाजे को बार बार खटखटाती है, लेकिन अच्छाई आपकी किस्मत के दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खटखटाती है। जी हाँ, उसी में आपको समझ जाना है कि आपकी जिंदगी बदलने का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में 100% सटीक और संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बाबा महाकाल के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखते ही आपके सारे रुके बिगड़े पड़े काम बनने लगेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आज आपको जबरदस्त फायदा होगा। जी हाँ मित्रों, व्यापार से जुड़ा हुआ कोई मसला लंबे समय से अटका हुआ था तो उसका समाधान मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, देखिए आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने वाली है, क्योंकि धन के इनकम में बढ़ोतरी होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी, काफी अच्छी होगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी नजरें आप पर बनी रहेगी, लेकिन आज आप पूरे मेहनत से काम करेंगे, जिससे उनका भी सपोर्ट, उनका भी सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले से कहीं ज़्यादा लाभ होगा, नौकरी बिजनेस में, व्यापार में लाभ होगा। और अगर आप किसी चिट फंड में या फिर लॉटरी सट्टे में रुपया पैसा लगाते हैं, तो आज सोच समझ कर लगाइएगा, लाभ तो होगा लेकिन आपको सोच समझ कर ही लगाना होगा, तब लाभ होगा।
धन के इनकम में बढ़ोतरी होगी और आज आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। जी हाँ, पहले ही अगर आपने कहीं पर धन निवेश किया था तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आज आप व्यर्थ के प्रेम संबंधों से, व्यर्थ के बात विवाद से दूरी बनाकर रखें। अगर आज के दिन वाद विवाद हुआ तो वह तुरंत आगे बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, आज के दिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगकर आप वहीं पर भी तुरंत समाप्त कर सकती हैं। जी हाँ, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। जी हाँ मित्रों, आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकती हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोच विचार किए बिना जोखिम मत उठाइएगा। जी हाँ दोस्तों, असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। आज आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। जी हाँ दोस्तों, आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाले चीज़ों के संपर्क में आने से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब सारा विटामिन शामिल करें, पानी भी खूब पिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति से या फिर आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्तों को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले से समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे, आज आप अपने संबंधित कामों में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकती हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर पर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति से कहा सुनी जो है पढ़ सकती है जो आपकी मिलनसार नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन व्यवसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सही काम आज आपको करने का दिल नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फायदा उसी में होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, भाग्य की अपेक्षा अधिक कर्म पर विश्वास रखना आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है। लाभ के मार्ग प्राप्त होंगे। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। घर के किसी खास वस्तु की शॉपिंग में भी सभी अभी समय संभव है। घर में छोटी मोटी बात को लेकर इशू बन सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो और आपकी जो है बिगड़ सकती हैं। योजनाएं बनाने के साथ साथ इन्हें कार्यरूप देना भी बहुत जरूरी है। बच्चों की गतिविधियों पर अभी ध्यान दें। वहीं अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। निजी कामों में व्यस्तता के कारण बिजनेस के काम घर से होंगे, साथ ही परिवारजनों का सहयोग भी बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय घर में रख रखाव अथवा सुधार संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का भी अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ,
इस समय आपकी कोई बड़ी समस्या का भी हल हो सकती है। मनोकूल सफलता मिलने से ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, दूसरों के मामलों में सुलझाने के चक्कर में आप जो है मुश्किलों में पड़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। युवा वर्ग अपने किसी कार्य में असफलता मिलने से कुछ तनाव में रहेंगे। अपने स्वभाव में बहुत ही धैर्य और संयम बनाकर रखना आपको बहुत खुशी देगा। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक महत्वपूर्ण काम नियत समय पर पूरे होते जाएंगे, परंतु रिस्क प्रवृत्ति कार्यों से रुचि ना रखें। इस समय आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। शॉपिंग में दूसरों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल कर लें तथा जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। जी हाँ, आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में बुजुर्गों का भी प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय वरिष्ठता सा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में बिल्कुल न आए। पैसा उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा दिक्कत होगा। बिजनेस में नुकसान के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको समय के साथ चलना होगा और ज़्यादा पैसा वैसा इधर उधर इन्वेस्ट करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आप अभी कदम ना रखें, क्योंकि जल्दबाजी के लिए लिए गए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में जो है कुंठा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, अगर आपके लिए व्यवसाय की बात करें तो यह समय बिजनेस में गैर जरूरी कामों में ध्यान ना दें। सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती है। देखिए, ज़्यादा ज़रूरी काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा और उसमें आपको उचित परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि दोपहर से पहले का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उस समय आपको मन मुताबिक सफलता मिलती है। ऑफिशियल मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें। आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय ध्यान देने वाली बात है, फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें आएगी। कोई नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मंद रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, इस समय व्यावसायिक स्थल पर मशीनरी स्टाफ या कर्मचारियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रहेगी। आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भरोसा करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो इंसान कैसा है, नहीं तो आगे चलकर परेशानी आप ही को होगी। नौकरी पेशा लोग कारभार काम होने से राहत की सांस ले पाएंगे। किसी ऑफिशियल यात्रा का प्लान बन सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए प्लान बनाना अभी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। जी हाँ, आप तनाव मुक्त होकर अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ,
इसके उपरांत अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन और आराम के लिए समय निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और आपको जो है खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है और आपकी पानी की जो मात्रा है अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी पेट से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका लग रही है। अगर आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो इन समस्याओं से आप बच सकती हैं दोस्तों। तो आने वाले अगली 24 घंटे कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आपके सपने जल्द ही साकार करें, उसके लिए माता रानी से दिन रात प्रार्थना करती हैं। आज आपको एक के साथ कई क्षेत्रों से लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आज आपको इतना ध्यान रखना है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें, नहीं तो लोग स्वार्थी समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। नए मेहमान आज आपके घर आ सकते हैं जिससे आपका धन खर्च होगा और उसी में आज आप व्यस्त रहेंगे। आपका दैनिक दिनचर्या अति उत्तम रहेगा। दोपहर के बाद आज आप नए कार्यों की शुरुआत ना करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नए कामों के लिए दोपहर के बाद का जो समय है उत्तम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेंडिंग पड़े कार्यों की शुरुआत कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि आज आपके बड़े भाई के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। जी हाँ, जिससे आपके घर के सभी सदस्य काफ़ी खुश नजर आएंगे। आज आपके कैरियर में सुधार होने की उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों आज आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति बना रही है। जी हाँ, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी, साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे में अगर कोई मौका आपके हाथ आता है तो उसे जाने मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकती हैं, साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, और यह समय व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखें। हालांकि रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के तरक्की के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति रह सकती है, परंतु स्थितियाँ भी आपको ही संभालनी होगी। प्रेम संबंधों के मामलों में लकी रहेंगे। आज के दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कोई भी निर्णय लेते समय खुद पर ही विश्वास रखें, इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय अपनी लव लाइफ से जुड़ी किसी भी गतिविधि में दूसरे का हस्तक्षेप ना होने दें। अगर कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो आज उसको गंभीर रूप से सुचारू रहेंगे। और विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने कैरियर और पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग रहने की जरूरत है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक संपर्कों का दायरा और बढ़ाने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। फाइनेंस तथा कंसिस्टेंस जैसी व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपने काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से रूप देने की भी सक्षम रहेंगे। वही दोस्तों, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिलने की चिंता ना करें तथा उचित समय का इंतजार करें। जब आपका समय आएगा तब आपको बुला कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ना करें, क्योंकि जब आपका समय आएगा भगवान शनिदेव जी आपको बुला कर देंगे। जी हाँ, किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा ना छोड़ें। जी हाँ, कोई कार्यवाही हो सकती है, अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना अभी बहुत ही जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके अनुकूल है, भाग्य भी आपका साथ दे रही है। अगर आप सही समय पर सही कार्य कर लेंगे तो सफलता सीधे सीधे आपकी चौखट चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से संबंधित कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए बेहतर होंगी। नौकरी पेशा लोग दस्तावेजों को संभाल कर रखें, ये आपके लिए अति उत्तम है। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए दोस्तों अभी आपको एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करनी होगी, यही आपके लिए बेहतर होंगे। आने वाले अगले 24 घंटे अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। काम ज़्यादा होने की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान आपके ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए दोस्तों खुद को भी समय दें और काम के साथ साथ आराम करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। आज बड़े राज्यों और धनियों का निर्माण हो रहा है, आज आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। परिवार में कोई वाद विवाद लंबे समय से चली आ रही थी तो वह भी आज के दिन समाप्त होगी और परिवार में एक अलग ही खुशी का रौनक दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, शब को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे आप और आप उसमें सफल भी होंगे, आप उसमें कामयाब भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर उन्होंने किसी कंपटीशन में भाग लिया था या कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया था तो वहां से उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। आज आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, रुके हुए कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आज आपको किस्मत का साथ मिल रहा है। जो भी काम आज आप अपने मन में ठानेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दोपहर से पहले ही कर लें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ, दोपहर के बाद समय उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आप दोपहर से पहले करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आपको गारंटी के साथ कामों में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दिन आपके लिए सुखद व्यतीत होगा, किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई अथवा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थी को भाग्य या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। जी हाँ, क्योंकि अनुभव की कमी से काम खराब भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनका मार्गदर्शन, उनका सलाह मशवरा ले सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होंगे। कोर्ट केस अथवा संपत्ति संबंधित विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के लिए लिए गए निर्णय में शुरुआत में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये बात
आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। जी हाँ, अभी अपेक्षित लाभ की हासिल नहीं होगा, इस समय प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को उनकी जीत कार्य क्षमता की वजह से प्रमोशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच चल रही गलतफहमियों का समय रहते निवारण कर लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समय रहते इनका निवारण करें, प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का खास ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इससे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। जी हाँ, आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं कुछ नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और क्रियान्वयन करना आपको सफल बनाएगा। समाज में मान सम्मान भी बना रहेगा। विद्यार्थियों की अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या भी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, और व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि आपको फायदेमंद अनुबंध मिलने वाले हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही है। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रहे गलतफहमियों का निवारण होगा और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर चलना ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपके मान सम्मान में कोई आंच आ सकती है। जितना हो सके विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें और अपने घर पर ही अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आंतरिक व्यस्तता पर न होने दें। कर्मचारियों के बीच कुछ विवादित स्थितियां बनेगी। अधिकारी और जो है सम्मानित लोगों से संपर्क स्थापित रखना बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है, अत्यधिक खर्चों की वजह से हाथ थोड़ा तंग रहेगा। उधार दिए हुए पैसे वापस के लिए प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार अवश्य कर लें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। जी हाँ, किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही रहेगी और आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका पूरा परिवार, पूरा फैमिली गदगद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी के बहुत दिन हो गए हैं तो आज आपके घर में कोई नन्हे मेहमान के किलकारी संबंधी शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे पूरे आंगन में ढोल बजाकर नाचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सही है, 100% सटीक होने वाली है। दोस्तों, अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय।